हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सृष्टि का चक्र चलता रहता है, चार युगों में बांट दिया गया है सृष्टि को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग समाप्त होने को है और सतयुग आने वाला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या सतयुग में आज जितने भी इंसान हैं कलयुग के, क्या सभी लोग जाएंगे? मेरे एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया था, सतयुग में कौन कौन जाएगा। आज अपने वीडियो में मैं इसी प्रश्न का जवाब देने आपके सामने आई हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कलयुग और सतयुग के संधि काल में जब आएंगे विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि भगवान के रूप में, तब सृष्टि पर कलयुग को वो खत्म करेंगे और सतयुग का आरंभ कर देंगे। सतयुग में कितने लोग जाएंगे इसका वर्णन कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण सब में लिखा गया है। कहते हैं आज के संसार में जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ 64 करोड़ लोग ही सतयुग में जा पाएंगे। आज की पॉपुलेशन आपको पता है पूरे वर्ल्ड की कितनी है, लेकिन सब लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। 64 में से भी 33 करोड़ जो होंगे वो इंडियन, हमारे देश के, बाकी 31 पूरे वर्ल्ड से। 64 करोड़ लोग कौन होंगे, क्या होगा उनमें गुण, क्योंकि सिर्फ गुणी व्यक्ति ही सतयुग में जाएंगे। सतयुग का काल स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि सुख, चैन, अमन, आनंद का युग ही सतयुग है। तो क्या भगवान चाहेंगे कि सभी को लेकर जाए सतयुग में? फिर तो वो सतयुग रहा ही नहीं, फिर तो कलयुग बन जाएगा। तो भगवान चुन लेंगे जिन लोगों को सतयुग में लेकर जाएंगे। कौन कौन से गुण होने चाहिए आइए जान लेती हूं, बताती हूं मैं आपको। सबसे पहला गुण, इंसान ईमानदार होना चाहिए, यानी बेईमानी का नामो निशान भी उसके जीवन में नहीं हो। सिर्फ ईमानदार व्यक्ति ही सतयुग में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जो कामचोर नहीं बल्कि मेहनती होंगे और अपनी मेहनत के बल पर अपना जीवन जीना चाहेंगे, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की चीजें हड़पेंगे नहीं, ऐसे लोग भी सतयुग में प्रवेश करेंगे। तीसरा ग्रुप वो होगा जिन्हें मानसिक शांति पर ज्यादा भरोसा है, वो भौतिक युग की सुख सुविधाओं का उन्हें कोई लालच नहीं है। ऐसे लोग भी जो मेंटल पीस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भौतिक सुखों की तरफ जिनका ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। आत्मिक शांति जिनके पास रहती है, आध्यात्मिक ताकत जिनके पास होगी, ऐसे लोग भी सतयुग में जाएंगे, क्योंकि सतयुग में देवी देवता से जुड़ने का हर पल मौका मिलेगा। इंसान के पास उतनी ताकत होगी कि वो तुरंत ही भगवान से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। तो आज के युग में वो लोग जिनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्पिरिचुअल पावर की खोज में है और उन्हें पा भी रहे हैं, उनके अंदर भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ऐसे लोग भी सतयुग में जाएंगे। इसके साथ स्वाभिमानी लोग, अभिमानी नहीं, जरा सा कुछ आपने अचीव कर लिया और आपको अहंकार आ गया, तो मद, मोह, लोभ, अहंकार जिनके पास होगा, ऐसे मनुष्य सतयुग में नहीं एंट्री लेंगे। इन विकारों से दूर जो इंसान रहेगा
हो जाएगा सतयुग में। और कौन से मनुष्य? जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते, जो मुसीबतों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जानते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे साहसी लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की ही सतयुग में जरूरत पड़ेगी। कलुषित आत्माएं बिल्कुल भी नहीं जाएंगी सतयुग में, बल्कि पवित्र आत्माएं जिनका चरित्र अच्छा होगा, चरित्रवान लोग, तभी सतयुग सतयुग कहलाएगा। तो 64 करोड़ लोगों में ये सारे गुण जिनकी चर्चा मैंने आपसे की, अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको जीवन में कभी ना कभी ईश्वर से जुड़ने का मौका अवश्य मिलेगा। और अगर ये गुण नहीं है तो आज से ही कोशिश कर लीजिए इन गुणों को अपनाने की, ताकि आप भी सतयुग में जाने के हकदार बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।